अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हैं आप सब ठीक होंगे और आपकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी एकदम अच्छे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग की हो गई है गुड मॉर्निंग और यहाँ पर हो रहा है बच्चों का टिफ़िन का प्रिपरेशन। तो बस मैं इन लोगों का टिफ़िन पैक कर रही थी। आज इन लोगों को पिज़्ज़ा लेके जाना था टिफ़िन में और यहाँ पर ये रात में मैंने ब्राउनी बना के रख ली थी, तो इन लोगों को ब्राउनी वगैरह सब वही टिफ़िन में पैक कर रही थी। आज से मेरा बर्थडे मंथ स्टार्ट है ना, तो क्या दो? गिफ्ट दो, गिफ्ट दो। मैंने गिफ्ट तो नहीं दूंगी, ये बनाई मैं कल ब्राउनी बनाई, इसके लिए बनाई खासकर। और आज पिज्जा खत्म, आज दे दी ट्रीट, अब डायरेक्ट 16 तारीख को दूंगी। हाँ तो इसी बोलते बर्थडे मंथ, इसी को बोलते ऐसे ही करते हैं बेटा। हाँ इसी को बोलते। तो यहाँ पे इसी में पैक करने जा रही हूँ टिफिन। ये हाँ क्यों तू ये के तो ये फर्स्ट और फिर कब मिलेगी ट्रीट? फिर कब मिलेगी? बर्थडे वीक। बर्थडे हाँ 16 तारीख को। हाँ तभी तो फिर चलो फटाफट तैयार करती हूँ टिफिन इसका। हाँ मैं नहीं देने वाली थी पिज्जा, मैं बच्चे लोगों को दे दी मैं बस, लेकिन देना पड़ता है। तो मैंने ये बटरफ्लाई भी बन रही है। बटरफ्लाई देखो, ये बटरफ्लाई दिख रही है तो फिर क्या इतनी प्यारी बच्ची बटरफ्लाई की तरह। अब मैं दूसरी टिफिन ला, उसमें पूरी ब्राउनी रखो। हाँ जी हुजूर। अस्सलाम वालेकुम। तो अब हो गया है नेक्स्ट डे, क्योंकि कल उसके बाद से फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं कर पाई, और क्योंकि लोग एग्जाम भी स्टार्ट होने वाला है। ओरल का पोर्शन आ गया, रिटर्न का पोर्शन आ गया, ओरल का टाइम टेबल आ गया, तो बस यही सब चल रहा है। अभी लड़की चल रही है यहाँ पे, अभी आकर नमाज से सब पढ़े हैं दरूद शरीफ वगैरह, और अब पढ़ रहे हैं अपने स्कूल का, और मैं जा रही हूँ लंच प्रिपेयर करने के लिए। तो बस अभी वही मैं देखती हूँ क्या बनाऊँ जाकर, ज़्यादातर सोच रही कीमा बनाऊँ, तो वही अभी पूरा करके फिर लोगों को पढ़ने के लिए लेकर मुझे बैठना है, तो वही करती हूँ उसके बाद फिर इंशाल्लाह मिलती हूँ। जा रहे हैं अभी, क्या लेने जा रहे हैं, क्या दिला रहे हैं मुझे? मटका दिला रहे हैं, ठीक है। हाँ मटका तो ऐसा धोते धोते कुंफू लड़ा गया, तो मटका दो टुकड़े हो गए। कुछ भी नहीं करी मैं, सिर्फ टच भी नहीं हुआ उसको, उठाई तो दो टुकड़ा हो गया मटका। अब मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल मैं बता दूं कैसे टूटा मटका मेरा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और मटका तो बहुत जरूरी, रमजान भी आने वाला है, चाबी था बेटा, और गर्मी का मौसम भी है, सभी को लगता है मटके का पानी, ठंडा पानी कोई नहीं पीता है। तो बस वही अभी निकल रहे मटका लेने के लिए, तो फटाफट से मटका लेकर आती हूँ, और जब फिर लाइबा का लेने का टाइम भी हो जाए तो फटाफट चलते। और हम लोग आ गए यहाँ पर मटका लेने के लिए, ये मटका तो नहीं पसंद आया तो नहीं लिए, कल का टाइम मांगा है, मुझे बहुत बड़ा लग रहा था वो, अभी इसका साइज नहीं था, उससे छोटा था बहुत ज़्यादा। कल बुलाया ना पानी तो खत्म हो जाएगा, लेकिन जो बड़ा वाला है बहुत ज्यादा वजन लग रहा है, मतलब धोने नहीं होएगा कम से कम एक दिन आ रहा करके, तो मैं रोज ऐसे रहता कि पानी फेंक के फिर दोबारा भर, और दो दिन में तीन दिन में मांझती हूँ, तो बहुत ज्यादा मतलब हैवी लग रहा है। मिट्टी का है तो ऐसा खाली रहता है, उसमें कल का टाइम हो रहा है आज मत मटके का पानी, ठीक है। मैं थोड़ा सा फ्री हुई थी तो मैंने सोची कि थोड़ा सा आपको से बात हुई है, तो बस यहाँ सुबह से आप हमें देखते हैं, मैं लगभग टिफिन वगैरह हो गया, मतलब लंच वगैरह भी सब हो गया है, और एक्चुअली है ना मेरे बड़े अभी भी डिलीवरी हो चुकी नहीं है, तो मैं कहना है थोड़ा सा बुलाते रहते हैं, तो बस हमारा टाइम हो रहा है, तो निकलते हैं, खाना वाना तो हो गया है सब, और
हम लोग निकल गए हैं। जैसे मैंने बोली क्या है ना, मेरी बड़े अबू की तबीयत नहीं ठीक है तो उनको ही देखने के लिए जा रहे हैं, और ना फिर वहीं से वहीं जाकर आपको लाइबा को भी लेके आ जाएंगे, टाइम हो जाएगा लाइबा को भी ले लूँगी, बस चलते हैं। पहुँच गए हैं और हम लोग कॉम्प्लेक्स का, और हम लोग मिल चुके हैं और अब जा रहे हैं लाइबा को लेने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह अभी थोड़ी तबीयत ठीक लग रही है, तो देखते हैं अभी लाइबा का भी टाइम हो गया तब जाए लाइबा। आज तो खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा लाइबा का, आप जा रहे हैं ना लेने, हम क्या रोज एक दिन ये जाएंगे तो इतनी खुशी होती कि पूछो मैं पे कौन आने वाला। इब्राहिम पुट्टन, हाँ इब्राहिम पुट्टन आने वाले, इंस्टाग्राम यूट्यूबर ही एक्चुअली यूट्यूबर और इंस्टाग्रामर इंस्टाग्रामर है, हाँ अब तक तो आया नहीं है, अभी देखते हो। यहाँ पे तैयारी तो चल रही है, लेकिन तो तैयारी चल रही है यहाँ पे, लेकिन यही आएगा पब्लिक आते जा रही है। हाँ देखो देखो यहाँ पे जो बाउंसर लोग हैं ना, ये इनके पहचान वाले कोई मिलने जा रहे हैं। आगे नहीं रहे भाई, आवाज आ रहा है। अरे नहीं टाइम ऑफिस चालू होना टाइम ही नहीं मिल रहा भाई। अभी आए नहीं, अभी आने वाला है। हाँ अभी आने वाला है, यहाँ पे सब स्टॉल्स लगे हुए, यहाँ पे भी लगने वाला है क्या। तो वहाँ पे अंदर मतलब हर चीज़ है, मेहंदी आर्टिस्ट लोग का है, मेकअप आर्टिस्ट लोग का है, फैंसी ड्रेस है, रैंप वॉक है, सभी है। तब तक तो स्टार्ट हुआ नहीं है, 6-7 बजे तक स्टार्ट होएगा और 8 बजे के चीफ गेस्ट आएंगे, 8-8:30 बजे चीफ गेस्ट। हाँ वैसे ही रहेगा मतलब, तो अच्छा लंबा होने वाला है फंक्शन मेरे ख्याल से, प्रोग्राम बहुत लंबा है। तो वही हम लोग को तो मालूम नहीं था ड्राइंग वगैरह का भी है, तो मैं लाइबा का नाम रजिस्टर करा देती, वरना पता तो चला ही नहीं तो फिर कैसे पता नहीं। तो देखो अगर आए तो थोड़ा सी एंजॉय कर लेंगे आकर यहाँ पर, तो देखते हैं अभी। अगर ट्यूशन ट्यूशन तो नहीं छुड़ा सकती क्योंकि है ना एग्ज़ाम है, ओरल स्टार्ट है लोग का, तो ट्यूशन से आने के बाद अगर टाइम रहता है और ये अगर लेके आ जाते हैं हम लोग को तो देखो हम लोग आ जाएंगे, तो फिर अगर मैं आऊँगी तो दिखा भी दूँगी। तभी जा रही हूँ मैं लाइबा को लेने, लाइबा को लेने और इसके बुझारे अभी देखने से खुशी देखना। कितने नालायक है ना तू, आज मुझे नहीं देखी, आज मैं नहीं दिखी ना, आज अबू दिखे, अबू को सब कहानी सुनाएगी अपनी, आज क्या हुआ क्या नहीं हुआ है ना, आज अबू को सब कहानी सुनाएगी। मेरे को ये बताया पहले तू, मैं आज नहीं दिखी है, उधर पे जो बॉडी गार्ड है वो अपने दोस्त लोग हैं, आज अबू दिखे और ये बहुत बड़ी नालायक है, आज मेरे को इसने देखी नहीं, आज मैंने देखी, आज अब्बू की हाइट दिखी ना, आज तो अब्बू ही दिखे, और रोज अब्बू आएंगे अब लेने, मैं पहले बोल रही हूँ। हाँ ये क्या कर रहा था मेरा बच्चा, ये पाला बच्चा क्या कर लेता, इचे क्या कर लेता। तो जाना है ही, मेरा मन नहीं हो रहा था एक्चुअली जाने का, क्योंकि लाइबा भी पूरी रेडी होकर ट्यूशन गई है, तो उसको ट्यूशन से लेके वहीं से भी मैं वहाँ पर निकल जाऊँगी, तो बस मैं इसके लिए निकल रही हूँ। चलो और यहाँ पे कुछ ऐसा था कि इसके अबू ने पहले मुझे इवेंट में छोड़ दिया, तो उसके बाद बच्चों को गए थे ट्यूशन से लेने, तो ट्यूशन से आने के टाइम ये सेलिब्रिटी लोग की गाड़ी आगे आगे चल रही थी और लोग के पीछे ही लोग थे, बच्चे लोग थे, तो आसिफ तो देख के खुशी का ठिकाना ही नहीं था। ये छोटू जब उतरा है गाड़ी से तो आसिफ भी तो हंसी निकल गई और इतना खुश था ना वो देखने के लिए, कितने का तो बच्चे खुश होते ही है, तो ऐसा था। आगे रहते हैं, ये मुमरा की बहुत बड़ी हस्ती है, देखिए मैं इनकी तारीफ कर रहा हूँ जबकि एंकर महक खड़ी हुई है। महक आप बताइए एसके के बारे में, जितने शब्द बोले जाए उतने कम है,
सबसे हाईलाइटिंग पर्सन मुमरा के और सबसे ज़्यादा सपोर्टिव हर चीज़ में आगे रहते हैं माशाल्लाह से। हमारे सारे इवेंट्स में भी वो अपना बहुत ही कीमती वक्त निकाल कर आते और आज भी आए हुए हैं, तो उसके लिए हम दिल से थैंक यू। अली रवि पे आओ ना मारा। हेलो, मैं आप लोगों को बता दूं। अरे अस्सलाम वालेकुम। आप यार कम से कम जवाब से एकदम तेज आवाज में आना चाहिए ना, तो जवाब कोई दिया ही नहीं। नहीं नहीं मैं क्या बोलूं, हाथ के हाथ के पब्लिक है। ओके सो मैं ही बोल देती हूँ। शहजाद सर हमारे साथ में जब थे बहुत अच्छे से इन्होंने प्रैक्टिस कर चुके, हमारे साथ में क्लास में थे, अटेंड कर चुके, मार्शल आर्टिस्ट रह चुके हैं खुद, और आज इतना शर्मा रहे ऐसे लग रहा तो नहीं है सर, आप इतना शर्माएंगे? नहीं नहीं, तो शहजाद भाई की जबान में बोल सकता हूँ। थैंक यू सो मच बसमा और हिना खान जिन्होंने इतना अच्छा इवेंट रखा, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जो मैं यहाँ आया हूँ और इस इवेंट का हिस्सा बना हूँ। प्लीज ऑडियंस तालियां हो गए जोरदार। अरे ताली बजा लो, ताली बजाने में क्या जा रहा है। देखा मैंने बोल दिया। माशाल्लाह अच्छा लगी नहीं। Okay, so let's begin with the certification session. मुंडा का जो एनएम वैली रोड है उस रोड पर जो चाहते हैं उनके पैरेंट से गुजारिश करना चाहते हैं कि अपने बच्चों को समझाएं। तीसरी बात, अब यहाँ पर तो खैर बहुत बड़ी बात, अपने शहर का किस तरीके से नाम पैदा हो हमेशा से ये ख्याल रखना। सारे बाउंसर अभी भी रोसी है, सब जाने आए थे हम लोग जब भी आए ना, तो सभी ने बात कर रहे थे यार भाई तुम क्यों आ रहे, जेब में गुस्सा है क्या? तो मुझे अच्छा लग रहा है कि सामने जाऊँ मैं फोटो क्लिक करवाने को, सारे जेंट्स ही है इसलिए एक अभी बोले हैं भी आते हैं यार ये तो पता नहीं सर, बोलो मत जाओ रुक जाओ कहीं देख लिए अच्छे लगते हैं। अजीम आसिफ को मिला, उनके उनके बहुत बड़े फैन है मेरे बच्चे। भाई तुम्हारे बहुत बड़े फैन हैं। अजीम आसिफ शेक हैंड कर लो, मजा आई मिलकर। बच्चे को ऐसे थोड़ी होता है दिस इज नॉट फेयर। आसिफ तुम लोगे? हाँ सारे पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है प्लीज आके अपना सर्टिफिकेट कलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, ये आईडी नंबर यस उनको बोलो, आंटी को निकाल के देंगे ये वाला। अच्छा
ये भी ले लो। एक सिर्फ एक। अजीम तुझे पेन चाहिए? पेन स्टेशनरी कितनी सारी है लाइबा, लेकिन स्टेशनरी की दीवार नहीं वो नहीं भी मौजूद है, वो सेकंड आ चुके हैं हमारे फूड कार्ट ये की है जो चाहिए ले लो। बहुत हार्ड आए हैं माशाल्लाह, कांग्रेचुलेशन। बोलो जो चाहिए ले लो प्लीज। ये कौन सा? ये वाला फ्लाइट वाइट सब ऑफर हुआ। दिख रहा है क्या? दिख भी नहीं रहा देखो। और हम लोग आगे बाहर, और ये देखो अंदर लाइट ना चली गई है, सब बहुत गुस्सा कर रहे हैं वहाँ पे खड़े। हम लोग आगे बाहर, ये दीवानी है जो स्टेशनरी की, तो इससे ले ली वाली पेन के लिए निकल रहे हैं टेन सिटी जिम। अजीम को बड़ी ख्वाहिश थी इसको देखने की, मुंद्रा की सबसे बड़ी जिम है ना ये। बंदा हमारे जिम में था तो जा रहा अभी इंटेंसिटी, देखो ये फायदा नहीं चला। देख लिया इंटेंसिटी जिम ना इधर ही आ। अजीम को बड़ी ख्वाहिश थी इंटेंसिटी देखने की, तो देख लिया। जो देखो एक बाइक पे जो लेके चलते हैं ना इनको सैल्यूट है। फाइनली हम लोग घर पे आ चुके हैं, और घर पे आते ही चेक करना कौन सी पेन चल रही है। सही चल रही है पता? ये अरे पर्पल ये वाली तो पता, फेदर वाली। हाँ दो सेकेंड एक ये तो हो जाएंगे ट्राई। पहले अपनी फेदर वाली बता मुझे ना। जल्दी बता, इतनी सारी पेन वैन सब होनी चाहिए थी, हर जगह पेन की जगह खड़े हो जाते हैं। ये वाली पेन दिलाओ, ये वाली पेन, लेकिन सब यूनिक होना चाहिए एकदम। चल फटाफट देखो लाइट ब्लू स्काई, चलो अब दे दो लाल। बाकी भाई इसमें कितने कलर है? एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, 10 कलर्स। मुझे मिल गई ये वाली वाली ली इसमें। आई है देखिए एकदम स्मूथ। पेन चलाने आए ना तो उतनी मोटी पेन कैसे पकड़ेगी? हाँ नाटक कितना ना, उसके ऊपर ये फेदर लगा दी खाली बस। अरे कपड़ा पहना तो बस ये चालू है। मेरे आसन ये लिया एलियन वाला रबर, नहीं एलियन नहीं है वो, क्या है लोग एक चीज इतनी महंगी ली है तो फिर। और इवेंट में जाकर आ गए, बहुत अच्छा लगा, एंजॉय करे बच्चे लोग ने, सब लोग ने, हम लोग को छोड़ के चले गए थे, इतना सब चीज मिस कर दी। मैं तो मुझे तो अच्छा नहीं लगा भाई कि है ना मैं जाऊँ घुसू और फोटो लूँ और ना वो करूँ, तो मैं तो नहीं गई। उसके बाद फिर बुलाई तो लेकर आए, ये बच्चे लोग को लेकर आए, तो फिर फोटो वगैरह क्लिक करना, हम लोग को अच्छा नहीं लग रहा था। मैं लाइबा को भेजूँ तो कैसे भेजूँ, सब बॉयज़ लोग ही भरे थे, सब फोटो क्लिक करवा रहे थे बॉयज़ लोग के, सारे जेंट्स थे, तो मैं बोली कि मैं तो नहीं जाऊँगी। फ़ोन करी तो फिर बच्चे लोग भी आए और फिर फोटो निकलवाए, और बहुत अच्छा लगा। वो छोटू से तो हाथ मिला के मेरा आसिम खुशी हो गया एकदम, है ना? कैसा लगा? बहुत खुशी हुआ, मैं खुश हुआ मेरा आसिम। और मुझे वही फर्स्ट टाइम नज़दीक से देखा, और मुझे वही था कि मेरा आसिम थोड़ा ना अच्छा लगेगा उसको देख के, तो मैं वही बोल रही थी कि प्लीज़ लेकर आओ, तो ये ना लेके चले के जाते हैं मेरे बच्चे लोग को। तो फिर बस आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं, वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि नोटिफिकेशन फटाफट से मिल जाए मेरा। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ, तो जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, खुश रहिए, दूसरों को खुश रखिए, क्योंकि जिंदगी जीने का यही तरीका। अल्लाह हाफिज़। सही से करना कर रहे हैं।